देखिए क्वेश्चन दिया हुआ है नेट फोर्स ऑन ए बॉडी इज इक्वल टू जीरो दिया हुआ है, तो T1 की वैल्यू क्या होगी, T2 की वैल्यू क्या होगी, और ये फोर्स दिया हुआ है टैंजेंट 90 डिग्री, 150 डिग्री, 120 डिग्री, तो क्या वैल्यू आया। तो लेमी थ्योरम का यूज़ करेंगे, किसका यूज करेंगे, लेमीज थ्योरम क्या बोलता है, ये बोलता है कि जो ये फोर्स है इसके अपोजिट में साइन 90 रखेंगे, इस T1 के अपोजिट में साइन 120 रखेंगे और T2 के अपोजिट में साइन 150 रखेंगे तो हमारा काम बन जाएगा। देखिए ये वैल्यू 10 आ रहा है तो T1 की वैल्यू कितनी आएगी, 10 इंटू साइन 120, साइन 120 मतलब क्या हुआ, साइन 120 मतलब साइन 30, साइन कॉस 30 मतलब √3/2, मतलब यह गया 5√3, है ना, इतना न्यूटन जो है फोर्स काम कर रहा है, न्यूटन मान के चलिए 10 न्यूटन। तो T1 इज इक्वल टू लिखा हुआ है कितना, इंटू साइन 90+30, साइन इतना कॉस √3/2, ठीक है, तो 5√3 इतना। T2 कितना है, T2 इज इक्वल टू लिखिए कितना, 10 इंटू साइन 90+60 कितना होगा, कॉस 60, यहाँ पे क्या लिखेंगे, ये आएगा, इसको कितना लिखेंगे, साइन 150 डिग्री, साइन 150 मतलब 10 इंटू कॉस 60 मतलब यह गया 10 × 1/2 दैट इज इक्वल टू 5 न्यूटन। T1 T2 सब आ गया हमारे पास में, एक का 5, एक का 5√3, एक का 10, इस तरह से हम फोर्सेस लेमी थ्योरम से निकाल सकते हैं। दूसरा, ये तो हमने पहला मेथड बताया, दूसरा मेथड से अब क्या कर सकते थे, एक्स कंपोनेंट की तरफ निकालते फोर्स को, यहाँ से यहाँ अगर हम देखते हैं तो 50 डिग्री है, 90 डिग्री ये हो गया, ये कितना हुआ 60 डिग्री, अगर ये 60 डिग्री है और परपेंडिकुलर अगर ड्रॉ करते हैं, ये 60, ये कितना 30, 60, ये कितना बचा, ये देखिए 90+30, ये कितना बचा 90 डिग्री, है ना, 90+30 120 डिग्री। अब बताइए इसको हम इसके बराबर कर देंगे तो काम चल जाएगा, इससे भी इस मेथड से बनाइए कितना होगा, 10 × cos 60 दैट इज इक्वल टू 2 दैट इज इक्वल टू T2 कितना आया 5 न्यूटन, T2 इज इक्वल टू 5 न्यूटन, एक बार निकाला हमने, फिर इसको निकालते हैं, है ना, तो एक्स डायरेक्शन तरफ इसको निकालेंगे, ये कितना आया, सेकेंड मेथड से यूज़ करेंगे, ये कितना आ रहा है 10 का cos 30 डिग्री, cos 30 मतलब इंटू √3/2 दैट इज इक्वल टू कितना T1, ठीक है, तो T1 इज इक्वल टू कितना आएगा 5√3 न्यूटन, है ना। इस तरह से हम लोग इजी वे में निकाल सकते हैं, ये मेथड भी इजी है, ये मेथड भी इजी है, जो मेथड आपको अच्छा लगता है आप समझ सकते हैं, बना सकते हैं, बस एंगल्स को आप डिस्ट्रीब्यूट करके देखेंगे। क्वेश्चन है, न्यूटन का फर्स्ट लॉ का इस्तेमाल करना है, है ना, ये स्ट्रिंग हमने ए बना रखा है, इसको हमने बी बना रखा है, ठीक है, बी को, बी पार्ट को हमने क्या किया है, दो तरह से खींचते हैं, हम क्या करेंगे, दो तरह से खींचते हैं, पहला सोचेंगे, पहला सोचते हैं स्ट्रिंग B is pulled पहला fastly, दूसरा slowly, ठीक है,
स्प्रिंग बी को पहले तेज छुपाया जाता है फिर स्लोली किया जाता है. विच विल ब्रेकफास्ट, विच विल ब्रेक फास्ट, पहले कौन टूटेगा? अगर मैंने इस स्ट्रिंग को तेजी से खींचा, ऐसे ऐसे खींचा, तो क्या होगा? पहले ये टूटेगा, ये टूटेगा, कौन टूटेगा? विच विल ब्रेक फास्ट, पहला, पहला में ये स्ट्रिंग बी टूटेगा. इसका सॉल्यूशन अगर हम निकालें, इसका आंसर निकालें, तो तेजी से खींचेंगे तो बी विल बी पुल्ड असाइड, ये स्ट्रिंग टूट जाएगा. क्योंकि जब तेजी से हम स्ट्रिंग को इसको हम हिलाएंगे, हिलाने से क्या होगा कि ये जो उसके साथ इनर्शिया है, इसके इनर्शिया की वजह से रेस्ट पे ही रहना चाहेगा और ये डी अटैच हो जाएगा. ओके, ये डी अटैच हो जाएगा और ये ऐसा कैसा ही रहेगा. लेकिन अगर मैं स्लोली स्लोली इसको इसको खींचा, अगर मैंने बी को स्लोली 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 अगर हिला के कर रहे हैं, तो क्या होगा? ये जो मोशन है ट्रांसमिट होता जाएगा, ये साथ में क्या होंगे, सब एक साथ हिलेंगे. ये जो मोशन है इसके साथ, ये इसका एनर्जी इसके साथ ट्रांसफर होगा, ट्रांसफर होते होते इस जगह पे असर डालेगा, इस जगह पर असर डालेगा और स्ट्रिंग ए टूट जाएगा. ओके, समझ में आया? ये स्ट्रिंग टूट जाएगा यहाँ पर. स्लोली स्लोली जाएंगे तो स्ट्रिंग ए टूटेगा, फास्टली जाएंगे तो वन टूटेगा. ओके, ये न्यूटन्स के फर्स्ट लॉ पे बेस्ड है ना. ये ऑब्जेक्ट रेस्ट पर था, रेस्ट पे रहना चाहेगा इसलिए टूटेगा, और धीरे धीरे करेंगे तो इसमें इसके अंदर जो है इनर्शिया, अब टोटल का इनर्शिया हो गया, टोटल का इनर्शिया एक साथ जो है कंबाइन हो गया, इसके वजह से ये पॉइंट टूटेगा, है ना, धीरे धीरे. अब बहुत सारा क्वेश्चन हम कुछ एमसीक्यू क्वेश्चन हम लोग सॉल्व करेंगे, है ना. कुछ क्वेश्चन देते हैं बनाने के लिए, बनाइएगा. दो स्ट्रिंग जुड़ा हुआ है ना, एक ये दूसरा ये, इससे जुड़ा हुआ है ब्लॉक, है ना. 10 kg का है, कितने के जी का है? 10 kg. इसकी मास कितनी है? 10 kg. ये एंगल है 30 degree और ये एंगल है 45 degree. तो पूछा है टेंशन क्या होगा, टेंशन 1, टेंशन 2 एंड टेंशन 3. इसमें क्वेश्चन ये है कि T1, T2, T3 इक्वल टू 1, क्या होगा टेंशन? नेक्स्ट क्वेश्चन हम लोग देखते हैं. नेक्स्ट क्वेश्चन देखेंगे. इससे जुड़ा हुआ है ब्लॉक जिसका मास है 10 kg. अब बताइए टेंशन T1, T2, T3, T4 क्या होगा? T1, T2, T3 एंड T4 इज इक्वल टू ब्लॉक, क्या होगा?
इस क्वेश्चन में हमें T1, T2, T3 फाइंड करना है। T3 को आसानी से फाइंड कर सकते हैं। T3 कितना है? इजी वे में हम लोग T3 को निकाल रहे हैं। T3 इज इक्वल टू कितना है? 10 mg। ये ग्रेविटेशनल फोर्स mg काम कर रहा है ना। T3 इज इक्वल टू कितना होगा? तो 100 न्यूटन, 10 × 10 मतलब 100 न्यूटन, या नहीं तो 10 × 9.8 दैट इज इक्वल टू 98 न्यूटन। इस तरह से हम लोग इसको समझ सकते हैं, कोई दिक्कत नहीं है। T3 निकल गया। T1 T2 निकालना है। तो T1 cos अगर इक्विलिब्रियम है, दैट इट इज इक्विलिब्रियम। ये पॉइंट जो है वो क्या है? ट्रांसलेटरी इक्विलिब्रियम है। वो क्या है? इक्विलिब्रियम में, इक्विलिब्रियम होने की वजह से अगर हम हॉरिजॉन्टल डायरेक्शन देखें तो क्या निकाल सकते हैं? T1 cos 30 degree दैट इज इक्वल टू T2 cos 45 degree। क्या रिलेशन आ रहा है? cos का रूट अंडर 3/2, 1/√2। देखिए क्या है, T1 √3/2 दैट इज इक्वल टू T2 √2। इससे इसको डिवाइड किया कि कितना हुआ? √2 मतलब √3 × T1 दैट इज इक्वल टू कितना? T2 √2। इस तरह से हम लोग देखते हैं। देखिए ये एक रिलेशन आया है। थर्ड चीज हमें T3 से ये संबंध पता करना है। तो यहाँ पे ये कितना होगा? 60 डिग्री। ये कितना होगा? 45 डिग्री। तो एक और रिलेशन आ सकता है, दैट इज इक्वल टू कितना लिखेंगे? T3 = T1 cos 60 + T2 cos 45 degree है ना। ये T3 तो हमको दिया हुआ है, वो निकाल लेंगे। T1/2 + T2/√2 है ना। तो T3 इज इक्वल टू कितना आएगा? तो T3 हम T1 T2 में रिलेशन फाइंड करके पता कर सकते हैं, कोई दिक्कत नहीं है। T3 तो पता है कितना है? 100 न्यूटन। 100 न्यूटन इज इक्वल टू T1 √2 + T2 × 2। ओके, तो ये 2 आ रहा है, यहाँ 1 आ जाएगा, यहाँ कितना हुआ? √2 आ जाएगा। ओके, इस तरह से हम लोग समझेंगे तो हमारा इक्वेशन आराम से सॉल्व हो जाएगा। T1 की वैल्यू यहाँ पुट कर देंगे तो कितना आया? T1 = यूज करेंगे तो T1 = कितना आएगा? T2 √2 / √3 + T2 √2 है ना, / 2। इस तरह से हमको T2 पता चल जाएगा। T1 भी हम कैलकुलेट कर सकते हैं, इजी वे में पता कर सकते हैं। अगर लेमी थ्योरम का यूज़ करेंगे तो फर्स्ट मेथड हो गया। अगर हमने सेकेंड मेथड का यूज़ किया, लेमीज मेथड अगर हम यूज़ करेंगे तो T3 निकालना, T3 निकला हुआ है, T3 हमारे पास निकला हुआ। T1 निकालना है है ना। तो T1 = T1/sin कितना आ रहा है? T1 के बदले में sin कितना आ रहा है? 45 + 90 = 135। तो लिखेंगे sin 135। ये किसके बराबर है? T2 का पोजीशन कितना है? 90 + 30 = 120 डिग्री, sin 120 डिग्री। और ये T3 हमारा दिया हुआ है कितना? T3 / कितना है? 60 + 45 मतलब 105 डिग्री। कितना है? sin 105 डिग्री। ठीक है, अब इजीली हम लोग कैलकुलेट कर सकते हैं। T3 हमारा निकला हुआ है, sin 45 निकला हुआ है, आराम से निकाल सकते हैं। इसको देखिए कितना आ रहा है, और 10 आ रहा है, ये कितना आएगा? sin 60 मतलब कितना होता है? √3/2 + 1/√2 है ना, प्लस कितना? 1/2 × 1/√2। इस तरह से इतना न्यूटन हमारा T3 / इतना निकल रहा है। तो T1, T2, T3 भी हम आराम से निकाल सकते हैं, कोई दिक्कत नहीं है। दो दो मेथड है, जो मेथड से आपको बनाना हो बना सकते हो। इसको भी और इसको भी कंप्लीट करना है, कंप्लीट योरसेल्फ। इस दोनों को क्या करना है? कंप्लीट
कंप्लीट हॉस्टल अपने आप कंप्लीट कीजिए। नेक्स्ट चलते हैं T1, T2, T3 एंड T4, है ना, कोई मुश्किल तो है नहीं इसमें। T1 की वैल्यू पता करेंगे, दोनों को चेक करेंगे, कंप्लीट कीजिए, चेक कीजिए। T1 दोनों मेथड से आंसर सेम आना चाहिए, सेम आंसर मस्ट बी इन द नोटबुक, है ना, सेम आंसर आना चाहिए। T1, T2, T4 फाइंड करना है, क्या होगा, तो यहाँ पे 30 डिग्री है, यहाँ अगर लाइन खींचेंगे तो कितना होगा, 30 डिग्री है ना, तो T2 cos इक्विलिब्रियम में है, ये पार्ट की क्या है, इक्विलिब्रियम में है, इक्विलिब्रियम और एट रेस्ट बॉडी क्या रुकी हुई है, T2 cos y डायरेक्शन तरफ देखें, इस पॉइंट को हम इक्विलिब्रियम में है, ये पॉइंट इक्विलिब्रियम में है, ये पॉइंट भी इक्विलिब्रियम में है, दोनों पॉइंट इक्विलिब्रियम में है ना, तो क्या लिखेंगे, T2 cos 30 डिग्री दैट इज इक्वल टू कितना होगा, T2 cos 30 डिग्री दैट इज इक्वल टू 100 न्यूटन, तो T2 हम निकाल सकते हैं रूट अंडर 3/2, T2 कितना है, रूट अंडर 3/2 मतलब 200/√3 न्यूटन, है ना, T2 क्या है, √3/2 इतना आ जाएगा। इसके बाद T2 यहाँ पे कितना है, ये 30 डिग्री है, T2 साइन 30 डिग्री दैट इज इक्वल टू T2/2 दैट इज इक्वल कितना है, कितने के बराबर है, ये T1 के बराबर है, कितने के बराबर है, ये T1 के बराबर है, तो T2 कितना है उतना दिया हुआ, T2 उसके बदला लिख लेंगे दैट इज इक्वल टू 100/√3 न्यूटन इतने के बराबर हो गया है ना, T1 इज इक्वल टू T2/2 इतना 100 न्यूटन के बराबर हो जाएगा। T1 T2 पता चल गया, T3 का पता करेंगे, T3 कितना होगा, T3 को पता करने के लिए हम लोग इस जगह का इस्तेमाल करेंगे, T3 कैसे यूज होगा, इसको इक्विलिब्रियम मानो आप, ये पॉइंट को क्या करेंगे, इक्विलिब्रियम मानेंगे, T4 यहाँ पे देखेंगे, T4 का एक कंपोनेंट T2 का एक कंपोनेंट बैलेंस कर रहा है, मतलब T4 cos 60 डिग्री दैट इज इक्वल टू T2 cos 30 डिग्री, तो इससे हमारा T4 निकल जा रहा है, cos 60 कितना 1/2, इसका कितना रूट अंडर 3/2, तो T2 इज इक्वल टू कितना √3, तो T4 इज इक्वल टू कितना T2 कितना है 200, तो ये आया 200 न्यूटन, T4 हमारा इतना आया, तो T3 को भी हम कैलकुलेट कर सकते हैं, T4 यहाँ पे क्या लिखेंगे, T4 साइन 60 डिग्री दैट इज इक्वल टू T3, है ना, T4 इतना है, तो T4 के मतलब कितना 200 कितना होगा, 200 इंटू साइन का कितना होता है, साइन का कितना √3/2 T3, इस तरह से हम लोग वैल्यू निकालते चले जाएंगे, 100 × √3 जो कुछ भी है आंसर हम इजी वे में निकाल सकते हैं, 200 साइन 60 कितना होता है √3/2 इस तरह से निकालते हैं, ओके चलिए।